अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 नवंबर 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएमपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2020 की तारीख को दोस्तों देखेंगे कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डीएलएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी खुशखबरी है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती आए जल्द से जल्द, तो उसके लिए भी दोस्तों आपको धरना देना पड़ता है। यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कैसे करना है उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, पुलिस में 18,912 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी हुआ है, तो आप इसको एक बार नोटिफिकेशन को जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी नौकरी लगे, कहीं भी लग जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस समय दोस्तों आपको हाथ पांव चलाने पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं से आपकी नौकरी लग जाए, तो पुलिस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट आई है, यूपी टेट 2020 को सातन की मंजूरी मिल चुकी है, फरवरी के अंत तक परीक्षा संभावित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी टेट देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन 2019 बैच को क्या मौका मिलेगा या नहीं उसको भी हम इस वीडियो में भी कवर करेंगे। देखिए डीएलएड छात्रों की धरने की तैयारी हो रही है। अब दोस्तों ये धरना क्यों दिया जाएगा आपको बता दें, जो बच्चे 2018 बैच के छात्र हैं, पहले तो इनको अपने थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए धरना देना पड़ेगा। अगर रिजल्ट इनकेस आ जाता है तो इनको फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराने के लिए भी धरना देना पड़ेगा। ये दोस्तों पूरा मैटर है। अब दोस्तों एक और अपडेट, आपने देखा होगा कि इंग्लिश का पेपर आउट हुआ था, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में। वैसे आउट तो और भी पेपर हुए थे, लेकिन इस अपडेट को जरा देखिए। डीएलएड परीक्षा के दोनों पाली में आउट हुए थे पर्चे। गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार होते हैं, 2000 रुपए में दोस्तों व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराते थे डीएलएड का पेपर। तो दोस्तों बेरोजगारी का कुछ ऐसा आलम है कि 2000 रुपए में आजकल डीएलएड का पेपर बिक जा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा मैटर, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए एक और सवाल खड़ा हो रहा था कि इंग्लिश का पेपर रद्द हो सकता था, लेकिन अभी तक दोस्तों पेपर रद्द हुआ नहीं है। तो फिलहाल हो सकता है और हो सकने में दोनों में अंतर है, हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिलहाल अभी तक परीक्षा आपकी रद्द नहीं की गई है, हो सकता है कि करा दिया जाए क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। इसको दोस्तों हम इस वीडियो में अभी कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं कि मामला क्या है और क्या पेपर सच में रद्द हो सकता है। अपडेट आई है इटावा से, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2018 के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में बुधवार को दोनों पाली के प्रश्न पत्र लीक हुए थे। मामले में पुलिस ने सालवर गैंग से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं 203 फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि बुधवार को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बचन सिंह को डीआईओएस राजू राणा और सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व केंद्र व्यवस्थापक संजय शर्मा ने डीएलएड परीक्षा 2018 की द्वितीय पाली के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के आउट होने की जानकारी दी थी। कुछ अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पत्र उपलब्ध होने की बात बताई गई। इस पर दोस्तों प्रभारी निरीक्षक ने इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना के श्याम नगर भरतना रोड निवासी शिवम यादव और दोस्तों नाम है कुछ सचिन कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी सचिन कुमार ने बताया कि 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तय करके व्हाट्सएप पर पेपर उपलब्ध करा रहे थे। तो दोस्तों ये पूरा मामला है कि 2000 रुपये में पेपर बिक रहा था डीएलएड का, ये आपके सामने पूरी खबर आ गई। अगर दोस्तों जब डीएलएड का पेपर आउट हो सकता है तो अब आपके मन में कुछ सवाल और खड़े होने वाले हैं। अब आपके मन में पहला सवाल होगा कि क्या यूपी टेट और सी टेट का भी पेपर लीक हो जाता है, ऐसे 2000 रुपये में बिक जाता है क्या। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल होगा कि जो सुपर टेट का हमारा पेपर होता है जिसके बेस पर आपको नौकरी दी जाती है, क्या दोस्तों वो पेपर भी लीक हो सकता है। अब देखिए आपको बता दें एक और खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोग परिचित होंगे क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी दोस्तों घोटाले का मामला सामने निकल कर आया था और उसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि 150 नंबर में से 140 नंबर पा जाते हैं और जिनको दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि ये बच्चे 150 में 140 नंबर कैसे लाए होंगे, ठीक है। तो छात्रों ने दोस्तों क्या किया कि छात्रों ने डिमांड की, मामला कोर्ट तक पहुंच गया कि सीबीआई जांच हो जाए। पूरी भर्ती में दोस्तों सीबीआई जांच हो जाती तो मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि किसको कितना आता है, लेकिन दोस्तों सीबीआई जांच नहीं हो पाई। तो ये दोस्तों अधिकतर होता है, अगर सरकारें बदल जाती हैं तो हो जाता है कि कभी कभी सीबीआई जांच लग जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक तो सीबीआई जांच नहीं हुई। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बात थी, अगर सीबीआई जांच होती तो 69,000 में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि कितने पेपर लीक कराया था, कितने लोगों ने कराया, कहां कहां तक पहुंचा पेपर,
सब कुछ पता चल जाता है। अब वैसे दोस्तों डीएलएड में भी है, अब आपको पता चल रहा होगा कि यार जब डीएलएड का पेपर लीक हो सकता है तो सिंपल सी बात है, आप जिस लाइन में होते हैं उसी का आपको अंदाजा ज़्यादा अच्छे से होता है। तो फिलहाल दोस्तों अगर आगे चलकर ऐसा चलता रहा ना तो फिर नौकरी पाना काफ़ी मुश्किल होगा सभी छात्रों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं, जो सोचते हैं कि यार हम अपनी मेहनत के दम पर नौकरी ले सकते हैं। जब दोस्तों को ये बात पता चलेगी कि यार जब 2-2 हज़ार रुपये में बच्चे यहाँ पेपर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो फिर क्या होगा। गाइस ऐसी बेरोजगारी आजकल हमारे देश में है ना कि कुछ भी लोग करने के लिए मजबूर हैं, क्या करें दोस्तों, नौकरी नहीं मिलती तो क्या होगा, ये सब तो होगा ना, उल्टे सीधे रास्ते अपनाए जाते हैं। एक और अपडेट है दोस्तों, इसको जरा देख लीजिए पहले। पुलिस में 18,912 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी हुआ है। अपडेट है लखनऊ से, योगी सरकार ने पुलिस विभाग के 18,912 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन पदों पर भर्ती आगामी महीनों में की जाएंगी। अपने 3.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने पुलिस विभाग में ही 1,37,640 पदों पर भर्तियां की है, साथ ही 239,848 पदों पर प्रमोशन भी किए हैं। जिन पदों पर भर्तियां होनी है उनमें पुलिस उप निरीक्षक, गोपनीय सहायक पुलिस उप निरीक्षक, लिपिक व लेखा के 1,339 पद है, बाकी दोस्तों आप इसको पढ़िएगा। तो कुल मिला के दोस्तों नई नौकरी है तो एक बार आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं, जो बच्चे बेरोजगार है जिनको नौकरी की जरूरत है, जल्द से जल्द जरूरत। देखिए दोस्तों शिक्षक भर्ती एक अच्छा विकल्प जरूर है, लेकिन कब तक निकलेगी और कैसे कैसे होगा तो उसमें समय आपका बेकार होगा। तो जहां पर भी नौकरी मिले हाथ पाँव मारिए और नौकरी लेकर जाइए। ठीक है दोस्त, ये पुलिस वाला मैटर हमने आपके सामने रख दिया। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट 2020 को शासन की मंजूरी मिल गई है, फरवरी के अंत तक परीक्षा संभावित है। अपडेट है प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 का इंतजार कर रहे हैं। बीएड बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी खबर है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर शासन की ओर से यूपी टीईटी 2020 कराने की अनुमति दे दी गई है। शासन सचिव परीक्षा नियामक ने मतलब परीक्षा से संबंध में जानकारी मांगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यूपी टेट दोस्तों फरवरी 2021 के अंतिम सप्ताह तक हो सकती है। तो मतलब दोस्तों कुल मिला के आपका पेपर हर हालत में फरवरी में करा लिया जाएगा। आगे देखिए, यूपी टेट प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में लगभग 10 लाख परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों आपका दो तरह का यूपी टेट होता है, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो आप यूपी टेट का पेपर देते हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका पेपर वन होता है दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक के, अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर वन क्वालिफाई करिए। और एक होता है दोस्तों पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 तक कक्षा 6 से लेकर 8 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जब आप यूपी टेट का फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको भरना है, ठीक है। इसमें डीएलएड के छात्र भी दोनों फॉर्म भर सकते हैं। डीएलएड के छात्रों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि यार हम सिर्फ पेपर 1 तो नहीं भरना है हमें, तो डीएलएड के छात्रों को दोस्तों दोनों फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है। तो ये रहा यूपी टेट का बेसिक सी जानकारी, इसको भर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों आपके मन में कुछ और सवाल खड़े होते हैं, जरा इसको भी हम आंसर कर देते हैं इस वीडियो में कि आपको यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कैसे करनी है। अब आपके मन में सवाल होगा ऑनलाइन पढ़ाई कर ली जाए कि ऑफलाइन करें, कौन सी कोचिंग का सहारा लें। देखिए दोस्तों अगर आपकी बेसिक बिल्कुल कमजोर है, मतलब आपको कुछ नहीं आता, तो आप तो ऑफलाइन कोचिंग में जाइए, आपके घर के पास कोई ट्यूशन क्लासेस या जैसे पढ़ाएं वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है। अगर आप ऑनलाइन आ रहे हैं तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। एक बात और आपको क्लियर करेंगे, अगर दोस्तों आप लोग ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन का आप सहारा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ें आती हैं निकल कर आपको सामने, आपने देख ही लिया होगा दोस्तों कि पेपर के 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं मार्केट में। तो हर चीज़ का दोस्तों सहारा आपको लेना पड़ेगा ताकि आप भी बिल्कुल अप टू डेट रहें। तो दोस्तों जितनी भी जानकारी निकल कर आएंगी सामने, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सारी जानकारी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। डीएलएड की दोस्तों सारी जानकारी हर बैच की 18, 17, 19 जो भी बैच की होगी वो जानकारी आपको देंगे। आप देखिए दोस्तों एक बात और कह रहे थे, डीएलएड 2019 बैच के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब दोस्तों कौन सी खुशखबरी है, कैसे आप खुश हो सकते हैं, पहले आपको इसको समझाते हैं। अभी दोस्तों जैसे पेपर तो हमारा समाप्त हो गया है, डीएलएड का ऑफिशियल तौर पर पेपर समाप्त है। इंग्लिश के पेपर को लेकर कन्फ्यूजन है कि पेपर रद्द हो गया या नहीं। फिलहाल दोस्तों उम्मीद काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि अगर रद्द होना होता ना तो एक दिन में डिसीजन लिया जाता है। फिलहाल आज से हमारी दीपावली शुरू हो रही, तो सभी छात्रों को पहले हैप्पी दीपावली। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों उनको भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएँ। अब देखिए 2019 बैच के लिए खुशखबरी क्या होगी, इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले दोस्तों जो बच्चे डीएलएड 2018 बैच के हैं, अभी दोस्त इनको चाहिए थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट, ठीक है। तो ये बच्चे दोस्तों रिजल्ट के लिए अभी धरना करने वाले हैं,
ठीक है, अगर रिजल्ट पहले आ गया तब तो सही है, धरना से आता है तो भी सही है। तो रिजल्ट दोस्तों जैसे ही आएगा थर्ड सेमेस्टर का, उसके बाद दोस्तों इन बच्चों का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाएगा। कब कराया जाएगा वो होगा दोस्तों, इन बच्चों का पेपर जनवरी, फोर्थ जनवरी लास्ट में। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो जो डीएलएड 2019 बैच के छात्र हैं इनका भी दोस्तों जनवरी लास्ट में 6 महीने कंप्लीट हो जाता है थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए। मतलब अगर हम 2019 से 200 जोड़ा जाए, अगस्त 2019 से जोड़ा जाए, ठीक है, तो जनवरी लास्ट तक इनका थर्ड सेमेस्टर का पेपर कराया जा सकता है। देखिए आपको अपने अधिकारियों के बारे में पता होना चाहिए कि 6-6 महीने पर डीएलएड का पेपर कराया जाता है अगर टाइम से हो रहा है तो अगर दोस्तों इस सब हिसाब से जोड़ जाड़ कर सब कुछ किया जाए कैलकुलेशन, तो उसके हिसाब से जनवरी लास्ट तक डीएलएड 2019 बैच का भी थर्ड सेमेस्टर का पेपर कराया जा सकता है। जब दोस्तों वो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के लिए सामने खड़े होंगे तो वही होता है ना, बहती गंगा में हाथ धुल लो। तो मतलब दोस्तों अगर डीएलएड 2019 बैच के छात्रों को भी मौका मिल जाए थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने का तो भाई कितना अच्छा होने वाला है। फायदा आपको क्या होगा हम आपको बता दें। फायदा दोस्तों आपको टारगेट पता क्या करना है, न्यू शिक्षक भर्ती को आपको टारगेट करना है कि न्यू शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, ठीक है। नई शिक्षक भर्ती की दोस्तों अभी कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 2022 चुनाव से पहले आने वाली है। अब 2022 से पहले 2021 में आ सकती है, 2021 के अंत तक आएगी, तो सिंपल सी बात है गाइस कि उस समय डीएलएड 2019 बैच का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर थर्ड सेमेस्टर का पेपर अभी करा लिया जाता है तो अगले 6 महीने के अंदर, मतलब और आगे वाले 6 महीने में आपका पूरा डीएलएड 2019 बैच का कंप्लीट हो सकता है। तो गाइस एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होगी आप लोगों के लिए कि अगर आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाए और नए शिक्षक भर्ती में आपको सीधे मौका मिले, ठीक है। 18 बैच के छात्रों को तो मौका देखे मिलने वाला है। 2018 बैच का फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, अगर इंग्लिश का पेपर कैंसिल रद्द नहीं होता तो फिर इनका समझ लीजिए सब कुछ क्लियर है, ठीक है, खत्म है। अगर कैंसिल हो जाता तो चलिए फिर एक बार इनको पेपर देना पड़ सकता है, नहीं तो बाकी इनका कंप्लीट माना जाएगा। ये दोस्तों पूरा मामला है, देखते हैं क्या क्या होता है, जो भी होगा सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है, हमारा काम है दोस्तों आप तक अपडेट को पहुंचाना। तो ये रहा दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर वाली पूरा मैटर, देखते हैं क्या क्या होता है, जो और अपडेट्स आएंगे गाइस हम आपके सामने पहुंचाते रहेंगे ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर दोस्तों साथ में पेपर हो गया तो मतलब 2019 बैच के छात्रों के पास कितना समय, इसको जरा देखिए। अभी दोस्तों आपका नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर पूरा बचा है, दिसंबर पूरा है, जनवरी लास्ट, 3 महीने दोस्तों हैं। तो 3 महीने में दोस्तों आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक बात और आपको बता दें, अगर आप यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट और सी टेट में वही बच्चा एक अच्छा स्कोर कर पाएगा ना, जिनके दोस्तों मतलब डीएलएड में एक अच्छी खासी तैयारी, जो बच्चे डीएलएड को तैयार करके बैठे हैं उनके लिए यूपी टेट सी टेट बिल्कुल मतलब हलवा जैसा होगा। आगे दोस्तों अपडेट में देखिए जा रहा कि केंद्र सरकार की ओर से सी टेट कराने के निर्णय के बाद अब प्रदेश सरकार भी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विस्तृत प्रस्ताव मांगा है, ठीक है दोस्तों। ये सब बातें अभी दोस्तों प्रस्ताव पर बातें चल रही हैं, देखते हैं कितने दिन में आपका मतलब ऑफिशियल डेट का ऐलान हो जाता है, ठीक है। तारीख का मतलब दोस्तों ये मान के चल रहे हम लोग कि फरवरी में हर हालत में आपका पेपर करा लिया जाएगा, तो फिर मजा आने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। जो भी दोस्तों और अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है। अब यूपी टेट भी आपको देखना है, थर्ड सेमेस्टर भी देखना है, बाकी जो बच्चे 18 बैच के बैक पेपर वाले हैं उनको अपना फोर्थ सेमेस्टर भी देखना है, सबको कुछ ना कुछ तो दोस्तों यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है। सब लोग लग जाइए, अच्छे तरीके से लगिए, जो भी दोस्तों अपडेट्स निकल कर आएंगी वो हम आपके सामने पहुंचाते रहेंगे, सारी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने होंगी, पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचेंगी, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों डीएलएड छात्रों के लिए कुछ खबर है कि 2019 बैच को भी अपना थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने का मौका मिल सकता है। तो फिलहाल अभी दोस्तों जल्द से जल्द छात्रों के मतलब पहले यही प्रियोरिटी होनी चाहिए कि कैसे ना कैसे जो आपका गणित का पेपर रद्द कराया गया, मैथ का पेपर निरस्त परीक्षा है, उसको करा लिया जाए। लेकिन दोस्तों इस पेपर को कराने से पहले आपकी गणित में तैयारी भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे तो है नहीं हवे में पेपर हो जाएगा, पेपर तो हो ही जाएगा, पेपर को तो क्या कल भी करा लिया जाए, लेकिन अगर आपकी तैयारी जीरो होगी ना तो फिर आपके नंबर भी तो जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस आप लोग पेपर लीक पेपर आउट के भरोसे मत रहिए, क्योंकि ये सब दोस्तों चीज़ें सही नहीं है। आज भले दोस्तों आप शॉर्टकट तरीका अपना लेंगे, लेकिन कल आपको जब शॉर्टकट नहीं मिलेगा ना तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों जो बच्चे कर रहे हैं, अब सरकार को भी चाहिए यहाँ सख्ती कर दी जाए, ऐसी सख्ती हो या तो दोस्तों इनके पेपर ही ऑनलाइन करा दिया जाए कि जहाँ लीक वाला मामला खत्म हो जाए। अगर दोस्तों ऐसा ही पेपर लीक होता रहेगा, रद्द होता रहेगा ना, तो फिर सब कुछ खत्म है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा पढ़ाई करने का।
क्योंकि फिर एक आम आदमी नौकरी ही नहीं पा पाएगा, ये बात की भी सच्चाई है। जैसा कि दोस्तों आपको एक बात हम फिर से क्लियर करते हैं, अगर आप बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे हैं, डीएलएड में अगर आपके मतलब सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, गणित में दोस्तों आपके भाई गणित खराब है, 25 में से 12 नंबर ले आते हैं, दूसरा बच्चा दोस्तों गणित में बिल्कुल जीरो है लेकिन वो 25 में से 20 नंबर ले आता है, भले धांधली करके लिया है, पेपर आउट करा के लिया है, लेकिन जब नौकरी की बात आएगी तो दोस्तों 25 में से 20 नंबर वाला बच्चा जीत जाएगा, 25 में से 12 नंबर वाला बच्चा हार जाएगा, क्योंकि नौकरी नंबर देखकर ही दिया जाता है, ये बात की भी सच्चाई है। और इंटरव्यू राउंड यहाँ पर नहीं है, अगर इंटरव्यू होता तो आपको और अच्छे से पता है कि इंटरव्यू में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो सकता है, जिसको कुछ नहीं आएगा दोस्तों वो तो नौकरी ऐसे ही लेकर चला जाता। अच्छी बात है इंटरव्यू नहीं है, तो देखते हैं दोस्तों और क्या क्या होता है, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो 2019 बैच को मौका दिया जा सकता है अगर छात्र मतलब सजग रहें, ठीक है। तो आप लोग को दोस्तों भी अपनी भी तैयारी रखना है, वही है ना, बहती गंगा में हाथ धुल लेना है सबको। अगर देखिए आप चाहते हैं कि आपको नई भर्ती में मौका मिले तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दोस्तों नई भर्ती निकल जाएगी और 2022 में देखिए चुनाव भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2027 में चुनाव होगा, पता नहीं कितने साल आपको घर बैठे रहना पड़ेगा, आपको भी नहीं पता। 2017 बैच के छात्र दोस्तों बिल्कुल मतलब नहीं होता है, परेशान है, डीमोटिवेट होते जा रहे हैं, कोई भर्ती नहीं आ रही है। अब इनका भाई कंप्लीट होकर डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, अब दोस्तों इनको एक बात तो पता है कि भाई 2022 में चुनाव है तो इनको तो मौका मिल जाएगा, बाकी आप लोगों को क्या होगा, ठीक है। 2019 बैच के छात्रों की हम बात करें, 18 बैच को तो मौका मिलने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिन बच्चों की बैक लगी थी थोड़ा सा मतलब आप लोग भी सतर्क रहिए, नहीं तो फिर मौका नहीं बन पाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।